सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर सवाल आता है कि डिफाइन सेल, सेल का क्या मतलब होता है। सेल एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि एक सेलर और बायर के बीच में होता है, यानी बेचने वाले और खरीदने वाले के बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है उसे हम लोग सेल कहते हैं। अगर सेल की परिभाषा देखेंगे तो सेक्शन 4 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आपको मिल जाएगा सेल की डेफिनेशन। सबसे पहले हम लोगों ने जान लिया कि सेल के अंदर दो पार्टीज होते हैं, एक सेलर और एक बायर, और इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी होता है, यानी जो सेलर होता है वो बायर को ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी देता है, यानी मालिकाना अधिकार देता है किसी भी गुड्स का जब वो उसको सेल करता है, और बदले में जो बायर होता है वो उसको मनी देता है, पैसा। अब ऐसा नहीं कर सकता कि जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे कि सेलर ने बी को फोन बेचा और बदले में बी भी फोन दे दे उसको, तो आपस में हुआ क्या, फोन का ही एक्सचेंज कर लिया, तो ये सेल की डेफिनेशन के अंदर नहीं गिरेगा। बी को अमाउंट पे करना है तब जाके सेल होगा। अब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेल आता है, तो सेल के अंदर एटलीस्ट दो पार्टी होनी चाहिए, कम से कम दो पार्टी, एक सेलर होना चाहिए और एक बायर होना चाहिए, एक बेचेगा और एक खरीदेगा, और दोनों के बीच में कोई ऑफर होना चाहिए। ऑफर जो होगा उसे एक्सेप्ट करना है बायर को, तब जाके सेल की कंडीशन फुलफिल होगी। और जो दोनों पार्टी होंगे सेलर और बायर, वह दोनों कोई सर्टेन कंडीशंस होंगे उस पर एग्री करेंगे जो कि इन द आइज ऑफ लॉ जस्ट और फेयर होंगे। और जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गुड्स होगा, जैसे मान लो कोई सामान बेच रहा है तो वह मूवेबल प्रोडक्ट होना चाहिए, जैसे कार मूवेबल है। अब ये नहीं कि लैंड ही उठा के बेचने लगो तो ये इमूवेबल, लैंड एक इमूवेबल है तो ये सेल के डेफिनेशन के अंदर नहीं गिरता है। अब गुड्स एक्सक्लूड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड, अभी हम लोगों ने देखा, और सेलर और बायर को लीगल कैपेसिटी होना चाहिए, यानी वो माइनर नहीं होने चाहिए, लूनैटिक नहीं होने चाहिए, और कोई भी ऐसा टर्म्स और कंडीशन नहीं एंटर करना चाहिए जो कि बार्ड बाय लॉ होना चाहिए, जो कानून ने उसको बैन कर रखा है, पर चला उसे कोई बेच रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो कॉन्ट्रैक्ट की सेक्शन 10 होता है उसको भी फुलफिल करना है, जब भी सेल होगा उसके अंदर सर्टन प्राइस होगा और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी होगा, मालिकाना अधिकार जो सेलर रहेगा वो सेंड करेगा बायर को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सेल पे, क्योंकि एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर भी सेल आता है तो, और एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर भी सेल्स आपको पढ़ना है, तो याद रखिएगा दोनों के बीच में अलग अलग कॉन्सेप्ट है।